हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू अगेन। क्लास 10th से बीएससी एंड एसएससी बोथ। बेटा, इसमें हम लोग रिस्पिरेशन पढ़ रहे हैं और इस रिस्पिरेशन चैप्टर्स में हमने पहला वीडियो लेक्चर्स में पूरी अच्छे से डिबेट किया था, ट्राई किया था बेसिक चीज़ों को आपको समझाने का। और ये सेकेंड वीडियो लेक्चर्स है जिसमें हम बेटा पढ़ेंगे रिस्पिरेशन, टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, कम्बस्टन एंड ब्रीदिंग के बारे में। ओके, तो बेटा लेट्स डू स्टार्ट इन दिस चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टूड वेरी वेल। सो देखिए, पहले लेक्चर्स में मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया, क्या होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है हमारे बॉडी में, क्यों ये नीडेड होते हैं, ठीक है, ये चीज़ों को जानने की कोशिश किया गया था। नाउ अ डे टूडे हम आज डिस्कस करेंगे कम्बस्टन। ओके, तो बेटा कम्बस्टन क्या होता है इसे समझने के लिए बहुत ही ईजी है। जैसा कि आपके स्क्रीन डायग्राम पे मैंने एक कम्बस्टन जिसमें फायर लगा हुआ है, फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें क्या जानते हो बेटा कम्बस्टन क्या होता है? आप क्लास 7th में ही पढ़े होगे। कम्बस्टन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग मटेरियल। कोई भी चीज़ें जो सब्सटाइबल मतलब सब्सटेंस होते हैं जो फ्लेम जल सकते हैं, फ्लेमेबल दे सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कम्बस्टन के प्रोसेस से वो क्या होते हैं? बर्न हो सकते हैं। तो जो भी प्रोसेस कम्बस्टन का होगा उसमें ऑक्सीजन का यूज़ होगा। जैसे कि आप मैच स्टिक से, मैच बॉक्स से मैच स्टिक निकालते हो, उसे रब करते हो और जलाते हो, तो आप क्या पाते हो कि वो जलने लगता है। अगर एयर हटा दें तो क्या होगा? वो बुझ जाएगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने बचपन में भी किया था। मान लीजिए हम 2 बीकर्स लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट बीकर में बेटा बर्निंग कैंडल को रख देते हैं और इसे क्लोज नहीं करते हैं, तो ये क्या होगा? जलता रहेगा, ठीक है, फ्लेम देता रहेगा। बट अगर इसी बीकर को अब हम क्या करें बेटा, इसको हम क्लोज कर दें, तो आप क्या पाओगे कि कुछ समय के बाद ये कैंडल क्या हो, बुझ जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि कोई भी कम्बस्टन हो रहा है, कोई भी कम्बस्टाइबल सब्सटेंस है, अगर वो फ्लेम दे रहा है या जल रहा है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो जलेगा। तो देखो बेटा, कम्बस्टन को हम यही लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग द मटेरियल इज ऑक्सीडाइज। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग व्हाट वी राइट, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग द मटेरियल इज ऑक्सीडाइज। एंड रिलीज एनर्जी, और क्या करेगा बेटा? एंड रिलीज एनर्जी। ओके, द प्रोसेस इज कॉल्ड कम्बस्टन। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग मटेरियल, कोई भी जिस प्रोसेस से कोई भी मटेरियल बर्न हो रहा है और रिलीज कर रहा है एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है, दिस एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी हो सकता है, वो जलेगा तो हीट भी देगा, लाइट भी देगा, ठीक है, कुछ स्मोक्स भी देंगे। तो जो भी एनर्जी उससे रिलीज हो रहा है, दिस एनर्जीज कहाँ से हो रहा है, किस प्रोसेस हो रहा है? कम्बस्टन। तो जिस प्रोसेस से कोई मटेरियल बर्न हो रहा है और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इस प्रोसेस को हम कम्बस्टन कहते हैं। तो ये भी समझ जाइए कि एवरी बर्निंग प्रोसेस, हर एक बर्निंग प्रोसेस जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, चाहे वो हमारे बॉडी में हो, चाहे वो कोई रॉ मटेरियल हमारे बॉडी के बाहर हो रही हो, एटमोसफियर में हो रहा है। तो ये भी समझ जाइए कम्बस्टन ऑल्सो अकर इन आवर बॉडी, ठीक है। कुछ कम्बस्टन हमारे बॉडी के बाहर होते हैं और कुछ कम्बस्टन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, इनसाइड होते हैं। तो इन आवर बॉडी डाइजेशन, डाइजेस्टेड फूड सच एज, कौन कौन, जब हम डाइजेशन कर लेते हैं, न्यूट्रिशन की प्रोसेस जब कंप्लीट करते हैं, तो हमें ब्लड में क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, फैटी एसिड मिलता है, अमीनो एसिड मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है, ग्लैक्टोज मिलता है, एक्सेट्रा, ये सब फ्यूल्स मिलते हैं। दीज फ्यूल्स ट्रांसपोर्ट टू द ईच पार्ट ऑफ द सेल, हर एक सेल तक पहुंचा दी जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड से होते हुए हमारे बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ सेकेंड डायग्राम पे ये मान लीजिए शुगर है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हुए सेल के अंदर इंटर कर गया। सेल के अंदर इंटर करेगा बेटा, तो सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से हमने बताया था
ये ब्रेक डाउन होके टू पायरूविक या टू पायरूविक क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा, ठीक है। और ये टू पायरूविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बेटा क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। शुगर सेल के अंदर जाएगा तो टू पायरूविक एसिड बनाएगा बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये पायरूविक एसिड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ड्यू टू द हेल्प ऑफ क्रेब्स साइकिल इट यूटिलाइज इनटू एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर, एंड कोई इसमें कोई फ्लेम नहीं बनते हैं, कोई लाइट एनर्जी नहीं बनता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है बेटा इसमें। आपको मैं बता दूं कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वही चीजें देखो कंबस्टन क्या है कि कोई क्रूड ऑयल है जो हम फ्यूल यूज करते हैं अपने कारों में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो भी बर्न होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा बेटा, हीट एनर्जी इसमें भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, कंबस्टन के प्रोसेस से, और काइनेटिक एनर्जी के वजह से ये कार मूव करने लगता है। और क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी जो यूज कर रहा है कार, जिसकी वजह से मूव कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर ये भी प्रोड्यूस करता है, तो सेम चीजें हैं। और वहीं कोई हम वुड अगर फायर लगा रहे हैं तो उस समय में बेटा ये हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लेम भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और वाटर वेपर भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो देयर आर कंबस्टन की, ये सब कंबस्टन है, तो कंबस्टन जो एटमोस्फियरिक में हो रहा है तो उसमें हीट और लाइट और क्या फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो प्रोड्यूस कर रहा है। वही फ्यूल जब हम कंबस्टन कर रहे हैं कार के अंदर तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, लेकिन जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फूड बर्न हो रहा है, ठीक है, जो कंबस्टाइल हो रहा है, तो इसमें फ्लेम नहीं बन रहा है, हीट बन रहा है, एटीपी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और वाटर बन रहा है, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जो फ्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर, वो किसके बेस पे हो रहा है, ऑक्सीजन के, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फ्यूल ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो व्हाट इज आवर फ्यूल, ह्यूमन के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फ्यूल क्या हो सकते हैं, फूड हो सकते हैं, सच एज ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब ये कंबस्टन ये भी कहलाएगा, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसमें कोई भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि हाईली कंट्रोल्ड होता है हमारे बॉडी के मेटाबोलिज्म के वजह से, ये हाईली कंट्रोल्ड होता है हमारे बॉडी के मेटाबोलिज्म के वजह से, ठीक है, और कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और ये एंजाइम के द्वारा कंबस्टन हो रहा है, दैट इज वाई, और ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये हमारा हो गया बेटा कंबस्टन, आई होप समझ में आया होगा। रिस्पिरेशन की बात करें तो टिश्यू रिस्पिरेशन बोल सकते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो रिस्पिरेशन को, तो सेलुलर रिस्पिरेशन भी बोल सकते हो या टिश्यू रिस्पिरेशन भी बोल सकते हो, ओके, एंड रिस्पिरेशन भी हम कह सकते हैं, राइट, ओके, सो स्टार्ट कर, सेलुलर रिस्पिरेशन एंड टिश्यू रिस्पिरेशन में द ब्रेक डाउन, देखो बेटा व्हाट इज द सेलुलर रिस्पिरेशन या टिश्यू रिस्पिरेशन या रिस्पिरेशन, कोई डिफरेंट नहीं है, बस इतना इसमें डिफाइन करना है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, जिस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है, सीधे बोल सकते हो, जिस प्रोसेस से फूड से एनर्जी रिलीज होता है, हमारी बॉडी ऑब्टेन करती है, उस प्रोसेस से हम क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अगर ऑर्गेनाइज तरीके से हमें लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रिस्पिरेशन, व्हाट आई एम से लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग energy from food in our body in our cell bracket में cell लिख दीजिए, okay, in our body cell is called respiration, what I'm say, हमने ये कहा the process of releasing energy from food in our body is called respiration, okay, and it is a biochemical process, क्योंकि ये living organism के अंदर हो रहा है बेटा, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, it is a biochemical process, respiration क्या है, bio
केमिकल प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। एंड ये देखो मेटाबॉलिज्म हो ही रहे हैं, तो ऑल रिएक्शन टेक प्लेस इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ये दो तरह के होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में बेटा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के बेस पे एक तो एनर्जी यूज हो रही है और एक में एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो रही है। तो रिस्पिरेशन में एनर्जी क्या बन रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन। रिस्पिरेशन कैसा रिएक्शन हो रहा है, तो ये बेटा CATABOLIC कैटाबॉलिक रिएक्शन है। इसमें रिस्पिरेशन कैसा रिएक्शन है बेटा, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं रिस्पिरेशन, तो विच टेक प्लेस इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं रिस्पिरेशन, इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल। ये कहाँ हो रहे हैं बेटा, ये सेल के अंदर हो रहे हैं। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन का क्या रिएक्शन होगा, डू यू नो? ओके, देखिए रिस्पिरेशन का रिएक्शन यही है कि हमने फूड को न्यूट्रिशन के प्रोसेस से यूटिलाइज किया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, अमीनो एसिड। ओके, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H12O6, राइट। आफ्टर दैट इसमें बेटा हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ब्रीदिंग के हेल्प से, जो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। ब्लड क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ब्लड में RBC सेल है वो, उसके पास हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी करके ट्रांसपोर्ट होते हुए हर एक सेल के पास क्या पहुंचा देगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ, मतलब यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ओके, अब देख बेटा जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जाएगा, तो वॉट विल हैपन, इट ऑक्सीडाइज, इट यूटिलाइज या इट ब्रेक डाउन, ओके, इन द फॉर्म ऑफ 2 ATP, मतलब सॉरी 2 ATP तो बनेगा ही, 2 pyruvic acid में, ठीक है। वो pyruvic acid माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करेगा, माइटो क्या बोल रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करेगा ये pyruvic acid और ये ऑक्सीजन भी। इसके बाद से ये यूटिलाइज होकर के, ठीक है, बाय ड्यू टू द हेल्प ऑफ क्रेब साइकिल, ETS साइकिल, इट कन्वर्ट 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, एंड 38 ATP एनर्जी मिल जाएगी। तो बॉडी को क्या चाहिए, 38 ATP एनर्जी ही चाहिए। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, ये रिएक्शन जो है कैटाबॉलिक रिएक्शन है बेटा, और ये रिस्पिरेशन का रिएक्शन है, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। इट इज एसेंशियल, ये जो रिस्पिरेशन होते हैं बेटा ये बहुत ही जरूरी है, तो बोल सकते हो इट इज वेरी एसेंशियल प्रोसेस। व्हाट आई एम से, इट इज वेरी एसेंशियल प्रोसेस फॉर लाइफ, ये लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज द रीजन व्हाई वी से दैट इट इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, सो बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी, बिकॉज इट प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा, एनर्जी, इट प्रोवाइड एनर्जी, राइट। ओके, इट प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस, वेरियस टाइप की लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, एक्सक्रेशन करनी है, ब्रीदिंग करनी है, तो सब में एनर्जी खर्च होती है बेटा। कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो एनर्जी खर्च होती है, और ये एनर्जी हमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से मिलेगा, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो मोर एनर्जी मिलेगा, ठीक है। और तो रिस्पिरेशन इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। अब देखते हैं टाइप ऑफ रिस्पिरेशन की बात करें, तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, देखो सपोज दैट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये हमारा बेटा क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल, एनिमल का यूकैरियोटिक सेल मैंने बनाया यहाँ पे, ओके, यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, यहाँ गोल्जी बॉडी होगी, ओके, और यहाँ सपोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सेल ऑर्गेन्स नहीं बना रहे, एक सेल ऑर्गेन बहुत इंपॉर्टेंट उसे बना लेते हैं, लाइसोसोम। ये क्या है बेटा, लाइसोसोम, और ये हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। अब इसमें क्या भरा पड़ा होगा, साइटोप्लाज्म, ओके। ब्लड स्ट्रीम के द्वारा
ये मान लीजिए ब्लड स्ट्रीम है, यहां से फूड डिफ्यूजन के प्रोसेस इंटर किया कैपिलरी से, ये कैपिलरी होगा यहाँ पे, ब्लड वेसल और सेल के बीच में जो कनेक्शन का पार्ट कराता है वो कैपिलरी कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन के प्रोसेस से बेटा ग्लूकोज अंदर आएगा, ओके, एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसमें प्रेजेंट है, लाइसोसोम में, जो सिक्रीशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके टू पायरोबिक या टू पायरुबेट एसिड बनाएगा, ठीक है। और ये एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर कर जाएगा, और जो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन आ रहा है बेटा वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा, और इसका यूटिलाइज हो करके ये जो हमने लास्ट में पढ़ा जो रिएक्शन से यहाँ बने हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर एंड 38 ATP एनर्जी प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, देखो इसी के बेस पे अगर हम कहें कि एनर्जी का प्रोडक्शन, ठीक है, ऑक्सीजन के बेस पे हो रहा है और एनर्जी का प्रोडक्शन ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही तो हो रहा है, ठीक है। सेल के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस से 2 पायरोबिक एसिड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं, ओके। लेकिन कुछ सेल में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं पूरी लाइफ, एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं, इनका नाम क्या हो सकता है आप, डू यू नो, ईस्ट, ओके, एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो एनरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, और हमारे बॉडी में भी कभी कभी मसल सेल में बेटा एनरोबिक रिस्पिरेशन हो जाता है, ओके, एक्सेस वर्क करने पे। तो मैंने बताया ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया और मसल सेल में कभी कभी, ठीक है, ये क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के यूज के बिना इंस्टेंट एनर्जी को चाहिए होता तो मसल सेल में ब्रेक डाउन होता, और ईस्ट पूरी लाइफ क्या नहीं करता है, ऑक्सीजन यूज नहीं करता है तो एनरोबिक रिस्पिरेशन करता है। तो मतलब कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि रिस्पिरेशन जो है बेटा वो दो प्रोसेस हो सकता है, रिस्पिरेशन इज अ टू टाइप, व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, रिस्पिरेशन आर टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला है बेटा एरोबिक और दूसरा हो जाएगा बेटा एनरोबिक, ओके, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनरोबिक रिस्पिरेशन, ओके। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है और एनरोबिक रिस्पिरेशन क्या होते हैं, व्हाट यू डू यू नो, देखिए एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है, बहुत इजी है, व्हेन ऑक्सीजन इज यूज फॉर रिस्पिरेशन या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल इज नोन एज एरोबिक रिस्पिरेशन। तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हो, व्हेन ऑक्सीजन इज यूज फॉर रिस्पिरेशन इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन, ओके, क्या बोल रहा हूं, व्हेन ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रिस्पिरेशन and release energy, when oxygen is used for respiration it is called aerobic respiration, okay, when oxygen is not used anaerobic mein theek isi ka opposite ho jayega, when oxygen is not used, okay, for respiration इट इज कॉल्ड क्या बोल देंगे एनरोबिक, ओके। एंड जो देखो बेटा ऑक्सीजन जिसमें एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो इसमें ये जान जाइए कि मोर एनर्जी का मतलब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन यूज करने की वजह से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कंप्लीट होता है। तो क्या सेकेंड पॉइंट लिखोगे, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इंटू CO2 किसमें ATP CO2 6 मॉलिक्यूल एंड 6 मॉलिक्यूल वाटर वेपर, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे, लेकिन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहाँ कंप्लीटली नहीं होता है किसमें एनरोबिक रिस्पिरेशन में,
एनरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें कंप्लीटली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता है। और इसमें कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है तो इनके प्रोडक्ट भी क्या होंगे, डिफरेंट बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड एनर्जी बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? मान लो अगर इसमें हुआ तो एथेनॉल बनाएगा, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 ATP बनाएगा सर, ये जान जाइए। और यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा था, कितनी एनर्जी बन रही है? 38 ATP बन रही है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में ओनली 2 ATP बन रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और एथेनॉल बन रहा है, राइट। और सेकेंड चीज, अगर मसल सेल में यही हुआ हमारे बॉडी में तो क्या बनाएगा? लैटिक एसिड बनाएगा, ओके, एंड 2 ATP एनर्जी बनाएगा। ये प्रॉब्लम है, तो ये बोल सकते हो रिस्पिरेशन जो होते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एनरोबिक रिस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होता है बेटा? तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, बिना ऑक्सीजन का होता है, राइट, ओके। इसके बाद से एक पॉइंट और बता दें आपको, माइटोकॉन्ड्रिया व्हाट इज द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन का क्या साइट हो सकता है, कहां पे एरोबिक रिस्पिरेशन होगा? तो एरोबिक रिस्पिरेशन या माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, या एरोबिक रिस्पिरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बोल सकते हो। तो आप क्या लिख दोगे? माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, ओके, एंड मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रिस्पिरेशन। ज्यादातर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हायर एनिमल्स में होगा, ठीक है, लोअर एनिमल्स में ही एनरोबिक रिस्पिरेशन होते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन ह्यूमन में हो गया, डॉग में हो गया, काउ, लायन, अर्थवॉर्म, मोस्ट इंसेक्ट एंड मोस्ट प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। एनरोबिक रिस्पिरेशन बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, ये सेल के अंदर होता है, तो बोल सकते हैं सेल इज द साइट ऑफ एनरोबिक रिस्पिरेशन। ग्लूकोज और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस बोथ में होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिस्पिरेशन के दो टाइप्स और व्हाट इज द रिस्पिरेशन समझ में आया होगा। व्हाट आई एम से दैट कि रिस्पिरेशन द प्रेजेंस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, कैटाबोलिक रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड आवर सेल, ठीक है। फूड जो होंगे वो यूटिलाइज होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव क्या देंगे बेटा, तो ये CO2, H2O एंड 38 ATP देंगे। और ये हमने कंसेप्ट बताया सेल के अंदर कैसे, और ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस व्हेन ग्लूकोज यूटिलाइज इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ 2 pyruvic acid एंड 2 ATP एनर्जी। आफ्टर दैट दिस pyruvic acid इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड बाय द प्रोसेस ऑफ किससे, क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग चेन, इट फॉर्म द ATP, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार और इसे समझ लेते हैं क्यूब में, जो मैंने बेटा आपको बताया कि एरोबिक, देखिए एरोबिक रिस्पिरेशन जो मैंने बताया, तो मैंने ये बताया रिस्पिरेशन दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिस्पिरेशन दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है। और ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कंप्लीट होता है, जिसके वजह से इट फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर एंड 38 ATP एनर्जी। लेकिन बेटा ये 4 स्टेप में होते हैं, कितने स्टेप में होते हैं? तो देखिए ये हमने अभी जस्ट बताया कि ये हमारा सेल है, ठीक है, इसे समझिएगा। और जो न्यूट्रिएशन है, ग्लूकोज है, ब्लड स्ट्रीम से जो सेल के अंदर आ रही है, ठीक है, तो इसमें ग्लूकोज जो इंटर करेगा, ठीक है, C6H12O6 सेल के अंदर, तो ये बेटा इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा पाइरूवेट टू पाइरूवेट में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। व्हाट इज अ ग्लाइकोलाइसिस? तो आप क्या बताओगे? द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूविक एसिड, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूविक एसिड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस बेटा 4th स्टेप हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट दीज पाइरूविक एसिड इंटर इंटू माइटोकॉन्ड्रिया,
कहाँ इंटर करेगा बेटा? ये फोल्डेड होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करेगा। पायरोबिक एसिड कहाँ इंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करेगा तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा? ये सेकेंड स्टेप कहलाएगा। व्हाट आई एम से, इट इज अ सेकेंड स्टेप। तो टू पायरोबिक एसिड मॉलिक्यूल आर कन्वर्ट इंटू एसिटल कोएंजाइम। किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये? दो पायरोबिक एसिड मॉलिक्यूल एसिटल कोएंजाइम में ये कन्वर्ट, विच कैन इजिली इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। आफ्टर दैट ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इजिली इंटर कर देगा। ये सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में क्या है? ये एसिटल कोएंजाइम बेटा जो है, ठीक है, एक मिनट, एसिटल कोएंजाइम जो है मॉलिक्यूल इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ इंटर करेगा बेटा? मैट्रिक्स में इंटर करेगा। यहाँ पे मैट्रिक्स होगा, ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर इंटर करेगा एंड टेक पार्ट इन द क्रेब साइकिल। किसमें पार्ट लेगा? क्रेब साइकल्स में। क्रेब साइकिल के प्रेजेंस में यहां से ऑक्सीजन यूज कर लेगा, ठीक है। अगर इन क्रेब साइकिल किसके प्रेजेंस में चलेगा? क्रेब साइकिल चलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, तो ऑक्सीजन क्रेब साइकिल में यूज होगा, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में बेटा क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेप आपका क्या हो गया? क्रेब साइकल्स हो गया। और फोर्थ स्टेप एनर्जी कन्वर्ट इंटू एटीपी, जो सिक्स पहले 686 किलो कैलोरी जूल एनर्जी बनेगा, जिसमें से 420 किलो हीट, किलो कैलोरी जूल हीट के फॉर्म में जाएगा, 266 किलो कैलोरी एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट एनर्जी कौन बनाएगा? ईटीएस साइकिल बनाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा और डिबेट है कि क्रेब साइकिल्स क्या होता है, क्या बताओगे आप? क्या जानते हो क्रेब साइकिल्स के बारे में? मान लीजिए नोट्स पे आ गया तो क्या लिखोगे? तो आप ये लिखना, इट इज अकर इन साइड। कहाँ पाए जाते हैं? इट इज अकर इन साइड द माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब साइकिल अकर इन साइड द माइटोकॉन्ड्रिया। इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस ईच मॉलिक्यूल ऑफ पायरोबिक एसिड, दो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ, इसको इरेज करते हैं, ईच मॉलिक्यूल ऑफ पायरोबिक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, जस्ट नट, ऑक्सीडाइज इनटू, किसमें टूटेंगे बेटा? तो थ्री मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इसका रिएक्शन हम, ये आप जरूर लिखना, व्हाट इज अ क्रेब साइकल आएगा तो ये एक्सप्लेन द राइट नाउ शॉर्ट नोट ऑफ क्रेब साइकल। तो देखो आपको लिखना होगा, इट इज अकर इन साइड द माइटोकॉन्ड्रिया। क्या अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? क्रेब साइकिल अकर इन साइड द माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल ऑफ पायरोबिक एसिड कंप्लीटली ऑक्साइड इन टू थ्री मॉलिक्यूल ऑफ, थ्री पेयर होगा, सिक्स मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्रेब साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ध्यान रखिएगा। टू पायरोबिक एसिड मॉलिक्यूल, मान लीजिए ग्लूकोज है, तो सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप मॉलिक्यूल्स बनाएगा एंड गिव द कोएंजाइम। क्या और दे देगा बेटा? कोएंजाइम, ठीक है। ये आपका क्रेब साइकल्स हो गया। इसके बाद से ईटीएस साइकिल स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग चेन बोलते हैं, ईटीसी साइकिल इसको बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। व्हाट आई एम से, इट इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इट इज फाइनल स्टेप, ये फाइनल स्टेप होता है इन विच एटीपी इज प्रोड्यूस, जिसमें क्या बनता है बेटा? एटीपी बनता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अकर इन साइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ होगा? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। इट इज अकर इन
साइड द माइटोकॉन्ड्रिया। कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इन दिस प्रोसेस कोएंजाइम, क्योंकि कोएंजाइम का प्रोडक्शन क्रेब्स साइकल्स में हुआ है, ठीक है, तो ईटीएस साइकिल में क्या होगा? आप बोलोगे इन दिस प्रोसेस कोएंजाइम रिड्यूस होंगे। क्या होंगे बेटा? रिड्यूस्ड होंगे। व्हाट आई एम से रिड्यूस्ड आर ऑक्सीडाइज्ड, कोएंजाइम आर ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? ऑक्सीजन के हेल्प से। और क्या बना देगा बेटा? H2O बना देगा, वाटर वेपर, एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड रिलीज लार्ज बोल सकते हो लार्ज अमाउंट या ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। इट अकर इन साइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन दिस प्रोसेस कोएंजाइम रिड्यूस ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड क्या बनाएगा? वाटर वेपर एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा बेटा देख लो, इसका रिएक्शन सही लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है, जी फॉर ग्लूकोज मान लेते हैं, C6 इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। एंड ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ होगा? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, बार बार बोल रहा हूँ याद रखिएगा, कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, ओके। और क्या बना रहा है? 2-pyruvic acid। क्या बना रहा है? एसिड बना रहा है, 2-pyruvic acid, 10 कैपिटल P लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। एंड इसके बाद से क्रेब्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर कर रहा है, क्रेब्स साइकल्स चलेगी, ठीक है। क्रेब्स साइकिल चलने के लिए ग्लूकोज का क्या होगा? रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर के ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और कोएंजाइम, ये कोएंजाइम फिर टूटेगा किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और क्या दे देगा बेटा? वाटर वेपर और एनर्जी दे देगा, और क्या बना लेगा? 686 किलो कैलोरी जूल एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, और बाद में ATP का फॉर्मेशन कर देता है, ओके। वहीं हम एनरोबिक की बात करें बेटा, तो एनरोबिक में क्या देखोगे? एनरोबिक में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो एनरोबिक में बेटा आपको यही देखने को मिलेगा, जो ग्लूकोज है, ठीक है, जिसको हम लोग C6H12 लिख रहे हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज लिया गया। तो एनरोबिक प्रोसेस में भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा। तो ऑल्सो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर इन बोथ एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनरोबिक रिस्पिरेशन, याद रखिएगा, और दोनों में पाइरूवेट एसिड बनेगा, ये भी याद रखिएगा। और ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बना लेगा? इथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH एथेनॉल बनाएगा और +2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो व्हाट इज अ फर्मेंटेशन, ये किस प्रोसेस से हुआ बेटा? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन इज एन एरोबिक रिस्पिरेशन, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और नॉलेज के लिए भी। तो फर्मेंटेशन क्या है बेटा? इट इज एन एरोबिक रिस्पिरेशन। फर्मेंटेशन इज एन एरोबिक रिस्पिरेशन। इट अकर कहां पाया जाएगा? तो इट अकर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ पाइरूवेट एसिड, इन दिस प्रोसेस पाइरूवेट एसिड
ये लिख दे रहा हूँ, पाइरूवेट एसिड मॉलिक्यूल आर पार्शियली ऑक्सीडाइज, इसमें कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये कैसा ऑक्सीडाइज होगा, एसिड मॉलिक्यूल आर पार्शियली ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज किसमें, इनटू एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, C2H5OH और लैटिक एसिड, ठीक है। तो ये दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। अगर इसको मैप के द्वारा देखें तो यही बनेगा C6H12O6, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो रही है, टू मॉलिक्यूल आप पायरूविक एसिड बन रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है, तो ये एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है फर्मेंटेशन प्रोसेस से, कितना 2 ATP एंड और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एथेनॉल बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एनरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेसर हो गया। अब हम नेक्स्ट में वीडियो लेक्चर्स में ब्रीदिंग पढ़ेंगे, जिसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन एंड हाउ कैन व्हेन, कब हमारे चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी, जब कब हमारे चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम घटेगी, इसके वीडियो लेक्चर थर्ड में हम डिबेट कर लेंगे। ओके बाय, टेक केयर।